हैं? जस्टिन में जस्टिन मेरा है। अच्छा पकड़ ली भाई, स्टिक कहाँ पकड़ी है यार, स्टिक नहीं पकड़ी। नहीं स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू व्लॉग में। सो भाई आज का व्लॉग क्या होने वाला है, जो कि आप टाइटल थंबनेल लेकर समझ ही गए। तो भाई आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सब घूमने के लिए। भाई बहुत दिन हो चुके थे घर पे बैठे हुए थे, वीडियोस बनाने के लिए जाते थे, तो भाई आज नॉर्मल घूमने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ में कौन है? जिया भाई। हाँ भाई, जिया भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो हम कहाँ जाने वाले हैं? गार्डन ग्लेरियन। तो वो मॉल है क्या है भाई? अभी पता नहीं, मैं तो कुछ पहले बार कर रहा था ना उसको, तो वहाँ पे मतलब ऐसा पब है और क्लब है, मॉल मॉल है टाइप का है कुछ। तो गाइस जो भी है वहाँ जा रहे हैं, तो वो पड़ता है नोएडा सेक्टर 18 में, गार्डन ग्लेरियन मॉल है। जो भी है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो रीशु और मुस्कान अभी रास्ते में मिलने वाली हैं, और तुम्हारा भाई पहुंच चुका है मेट्रो स्टेशन, तो आगे की तरफ चलते हैं। जो भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, तो भाई बिना स्किप करे देखना, जब भी मजा आएगा। एंड जो चैनल पर नए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पर तुम्हारा भाई डेली अपडेट देता रहता है। तो भाई चलते हैं, देखते हैं आगे जो भी होगा आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई, मेट्रो स्टेशन से नोएडा सेक्टर 18 से हमने एग्जिट करा था, और जिया भाई ने बताया था कौन सा मॉल था, वो गार्डन ग्लेरियन मॉल था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो उसके सामने DLF मॉल था जहाँ पर मैं पहले आ चुका हूँ। तो भाई वहीं आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे पता पहले आपको ऊपर तो मस्ती है ना, डेढ़ साल पहले आया मैं भी, तो हमारी स्टार्टिंग करते हैं। अभी ऊपर चलते हैं, यहाँ घूमते फिरते हैं। तो गाइस अभी घूमते फिरते हैं, देखते हैं जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो जो गार्डन ग्लेरियन मॉल था वहाँ पर कुछ था ही नहीं था, इसीलिए आप लोगों को हमने कुछ दिखाया नहीं। नोएडा मुझे पसंद नहीं है। तो गाइस अभी देखते हैं, घूमते फिरते हैं, देन यहाँ पर जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई, अभी हम DLF मॉल के अंदर घूम रहे थे, तो भाई हमें दिखाई दी है तुर्की आइसक्रीम, जैसा कि आप देख सकते हो। तो रिशु बोल रही है मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन ये ट्राई नहीं करना। तो भाई मेरे अंदर कीड़ा काट रहा है कि मैं ये चीज़ ट्राई करूँ कि मैं पकड़ पाऊंगा। है मजा आएगा, वो बेचारी से मजा नहीं आ पाया है। चलो फिर तुम ट्राई कर लो। अच्छा करना है। हाँ भाई सीधे खड़े हो जाना, पहले मजा ही क्या है, पहले ही पकड़ लिया तो नहीं यार, पकड़ने में अबे मजा लगी तो आएगा। चलो गाइस देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर होता है तो रिशु को खानी है आइसक्रीम, है ना? और तो नहीं कुछ ट्राई करना? चॉकलेट फ्लेवर। कौन सा फ्लेवर चाहिए? चॉकलेट फ्लेवर। गाइस ये देखो। तो गाइस अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो बने रहो ब्लॉग में। अगर भाई मैंने पकड़ लिया तो फिर क्या मिलेगा? एक फ्लेवर है, खाली सौ। ये कौन कौन पकड़ना पीछे का ना? अब देखो, अब तो मैं दे रही हूं चैलेंज कि मुझे दो आइसक्रीम खा। अबे जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो जब स्टार्ट करेंगे ना तुम दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। आगे आ जाओ भाई। हाँ लो आ। पकड़ ली भाई, स्टिक कहाँ पकड़ी है यार, स्टिक नहीं पकड़ी। नहीं क्लिप देख लो, क्लिप देख लो, क्लिप देख लो, क्लिप देख लेना भाई, क्लिप एक आ गया गाइस। हाँ बोला ऊपर वाला पकड़ो ना मेन। अबे ये लो गाइस। अब तो रियल था, रियली था, वो रियल था। गाइस देख सकते हो, एक बार तो तुम्हारा भाई जीत गया है ना, जीत गया था ना। हाँ भाई जीत गया था ना भाई, दे तो दिया फ्लेवर, एक्स्ट्रा फ्लेवर है तो ऊपर से। तो तुम्हारा भाई एक बार जीत गया तो एक्स्ट्रा फ्लेवर मिल गया। तो गाइस देखते हैं अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे, वो आप लोगों को दिखाते हैं, तो बने रहो व्लॉग में।
तो गाइस देख सकते हो भाई, मतलब कि एक फ्लेवर तो एक्स्ट्रा ले ही लिया तुम्हारे भाई ने, और वो मना कर रहे थे, लेकिन भाई आप लोगों ने कैमरा में देख लिया था, मैंने पकड़ लिया था, है ना, पकड़ा था नहीं, तोड़ दीजिए लो, जल्दी से खा लो वरना सारी पिघल जाएगी। तो गाइस अभी घूम रहे हैं मॉल के अंदर, देखते हैं यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे जिया भाई और मुस्कान आगे चल रहे हैं, तो अभी देखते हैं। और कुछ करना है, शॉपिंग करनी है, अरे नहीं है हाथ में कुछ भी, शॉपिंग करनी है, देखते हैं। चलो गाइज अभी देखते हैं, तो अगर कुछ और चीज़ पसंद आती है या जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग तो इसी टॉपिक पर था कि हम घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे, तो भाई मस्ती की शुरुआत हो गई है आइसक्रीम से। तो भाई देख सकते हो भाई अभी ना जस्टिन भाई, मुस्कान और ईशु नीचे की साइड है, और उनका फोन ना भाई मेरे पास है, उन्हें पता नहीं भाई उनकी जो मेमोरी है ना भाई बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। सो अभी ना मतलब मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल करके बोला कि भाई नंबर दे दे मैं जस्टिन भाई का, सो वो कॉल करेगी और उनको भाई प्रैंक करूंगा, वो हर वक्त ईशु पे किसी ना मुझ पर भाई बहुत ज्यादा प्रैंक करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, सो भाई नीचे चलते हैं, जो भी हो आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला, तो बस बंद रहो व्लॉग में। तो भाई देख सकते हो भाई अभी ये लोग आ चुके हैं, अब इनका फोन मेरे पास है, देखना ये रहा भाई, ये रहा ये रहा, खुद का दिमाग रहता नहीं है, कहाँ तुम्हारा जो है ना दिमाग खराब हो चुका है, खराब एकदम। गाइस देख सकते हो क्या अपना अपना अभी ना मैं तुम्हारा फोन लेके बेच देता, दो गांव पीछे हाँ छोड़ देते हैं, तीन गांव पीछे टाइम हुआ है मेरे साथ में, और जब मैं छोड़ देता क्या बोलेगा तुमने तो घर के लिए, हाँ कि ये है वो है ना, कहाँ चले बताओ, कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले बताओ, ऊपर अभी से थोड़ी ना जाना मनाली, हाँ भाई है कहाँ चले जस्टिन भाई बताओ, अरे भाई साहब बोल कौन रहे हो ये तो बताओगे ना आप, क्या हुआ क्या हुआ, अबे पता नहीं कौन है, क्या हुआ कर रहा है, तो इस फिगर में से क्यों हटा दिया, इस फिगर में से है बहुत लड़का लड़की, ये लोग लड़की अपने मजाक कर रही है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अरे ये बताओ चलना कहाँ पर है, मैंने बोला था मूवी की टिकट हो गई है, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ भाई, मुझे कोई बता ही नहीं रहा भाई कहाँ चलना है, बता दो यार, भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ खाया है, खाने से कॉल आ रहा तुम्हारा, कौन है, हेलो, अरे भाई, अरे भाई साहब बोल कौन रहे हो, मुझे तो ये ही नहीं पता, मैं आपको जानते ही नहीं, हेलो कौन, किसका कॉल है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, पागल है तुम, अच्छा अग्रवाल घर वालों को नहीं पता नहीं क्यों है, मार दे फोन किसके, हेलो, अरे हेलो, हाँ कौन, अरे भाई मेरी ईशु को, ईशु जस्टिन की गर्लफ्रेंड है, जस्टिन जस्टिन मेरा है, अच्छा अच्छा जस्टिन तुम्हारा अपने पर क्या सीन करोगे, अच्छा ये कौन है लड़की, पहले बता लड़की, भैया नंबर सेव दिख रहा, अननोन कॉलर लिखा हुआ है नहीं, अच्छा ठीक है जस्टिन तुम्हारा है, अगर दोबारा बोलूँ ना जस्टिन मेरा, फिर एक गाड़ी तुम्हारे पर, अबे यार तुम थोड़ी सी दिमाग से कमजोर हो क्या, हाँ हो। जब मैं जानते ही नहीं हूँ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मैं बता रहा हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ओए ओए अपनी गलती को छोड़ा मत दो ना, यहीं से उठा के फेंक दूंगी, हेलो भाई जस्टिन ये गलत बात, अबे गलत बात है यार जस्टिन भाई तुम्हारी है, हमारे फोन पे तो रहते हैं लड़कों को, लोग भी लगा के रहते हैं फोन पे, लोग भी आराम से चिल्लाओ मत ना, आराम से भाई आराम से, गाइस यार देख सकते हो भाई हम ना, यार ये तो बंद करो ना, वीडियो में थोड़ी ना दिखाओगे यार ये चीज, अबे जस्टिन भाई तुम्हारी भाई मैं तो दिखाऊंगा ठीक है ना, नहीं बंद नहीं करूंगा मैं, कॉल पे बात करो, बंद कर दूंगा ना कैमरा में, भाई ऐसे तो कोई गर्लफ्रेंड भाई गर्लफ्रेंड के साथ है वो, तू कौन है, कहां रहती है, चल
ओए चल तो तू तड़ा कर लियो जाके किसी और से नोएडा सेक्टर 18 का तो डीएलएफ मॉल ठीक है दम मैं ना तो यहाँ पर आके बात कर फोन मत कर इधर अब फोन आ गया ना तेरा फिर तू देखा तेरा क्या हाल करूंगी हिम्मत है दम है तेरा यार गाइस देख सकते हो ये बंदा पता नहीं भाई समझ में नहीं आता मुझे क्या सीन है यार यार ये गलत बात भाई गलत बात है जशन भाई देख अब तू इधर फोन मत करो तेरा नंबर कर रहे हो ब्लॉक अगर तेरे मैं मुझे गुस्सा आ रहा है मैं फोन वोन फोड़ दूंगा अबे तो गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है खुद की गलती है तुम्हारी फोड़ दे यीशु मैं नहीं जानता तुम्हारी जान की कसम है आप इतने बड़ा तो मैं बात ना करूं अगर सुन बहन अगर जैसे दे रहे हैं ना डीएलएफ मॉल में हूं मैं नोएडा सेक्टर 18 ही फर्स्ट फ्लोर में आ जाओ ले जा मैं नहीं जानता पता अरे भाई हमें पता है मुझे पता है तुम्हारा भाई मुझे पता है तुम्हारा मुझे सब पता है जशन भाई मुझे पता है तुम्हारा ब्लॉग डालने दो मेरा व्हाट्सएप भी इनको पता है भाई सुनो मेरी बात रिशु लोग लगे पड़े और अपने फोन का लोग भी नहीं पता ठीक है अरे यार ये दिक्कत होती है हर चीज में दिक्कत भाई मुझे मेरी कुछ बात मेरी भी तो बात सुनो भाई तुम्हारी गलत बात है ठीक है गलत बात है तुम्हारी गलत बात है जस्टिन भाई मोबाइल छोड़ दूंगा मैं गलत नहीं हूँ मुझे पता है ना गलत हो तो मुझे पता है गलत नहीं हो ना नहीं मेरे बाप ने तो लेके दे दिया मोबाइल छोड़ो मुझे क्या पता ये रहते साथ में दो चौबीस घंटे लाओ भाई फोन मेरे को मेरे को ऐसा पता होना तो मैं तो दोस्ती ना करूं भाई इंसान से ऐसी हाँ भाई ऐसे करना है क्या ऐसे करना है यार जिया भाई बंद कर दो यार इसे भाई क्यों कर दो क्यों कर दो भाई मैं नहीं जानता मुझे भी पता है नेहा मुझे पता भाई नहीं पता तुम्हें बहुत शरीफ हो तुम बहुत शरीफ हो वाकई में ही गाइस ये बंदा भाई जो बहुत शरीफ है भाई मैं दिल से कहना चाहता हूँ ठीक है ना और भाई ये ऐसा कुछ नहीं था मैंने अपने फ्रेंड से कॉल लगवाई थी जशन भाई का नंबर देके अभी जब तुम नीचे गए थे तो जशन भाई यार मत करो भाई नहीं हो अब भाई तुम यार मुझे मैं वैसे परेशान हूँ मोबाइल अबे नहीं यार चश्मा गिर गया इसका अबे यार मजा आया कैसा लगा मैंने करवाया था अभी जब आप लोग नीचे गए थे सब मजा आया भाई अबे यार चलो गाइस भाई तुम्हारे ऊपर प्रैंक कर रहा था तुम्हारे ब्लॉग पता नहीं भाई मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कौन थी अबे भाई लड़की कौन थी फ्रेंड थी मेरी कोई कौन सी फ्रेंड आ गई तुम्हारी बस थी कोई ना कोई कौन सी फ्रेंड थी थी कोई ना कोई थी बस चलो 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 अबे नहीं अबे यार देखो गाइस अभी मेरी लड़ाई करवाएंगे बिन मतलब में जस्टिन भाई का तो मजा आएगा चलो गाइस भाई बहुत मजा आया मुझे तो बस चलो भाई कुछ चलते हैं जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे ठीक है तो बस भाई बंद रहो ब्लॉग में तो गाइस देख सकते हो भाई अभी डीएलएफ मॉल से अभी हम आ चुके हैं बाहर बाहर आने के बाद में वेज बिरयानी खाई तो भाई बहुत ज्यादा खुंदक मच रही है जिया भाई पे इन्होंने प्रैंक करा मजा तो भाई आया। मुझे मजा नहीं आया मुझे तो भाई मैं एकदम से ये सोच रहा कि यार एकदम से ये क्या हो गया मेरे साथ में अभी तो यार बिल्कुल सब कुछ ठीक था और ना मैं यार जो भी करता हूँ गाइस मैं वीडियो के लिए करता हूँ वैसे अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं करता गलत ना किसी लड़की से बात करता मुझे तो मजा आया भाई मैं तो सोचता चार्टर वाटे पढ़ते ना जब आता और मजा चार्टर पढ़ा था शायद मेरे मुझे नहीं पता भाई अब तो गाइस रिशु ये चल रही है और मुस्कान अभी आगे चल रही है तो अभी हमने वेज बिरयानी तो खा ली है तो अभी यहाँ से देखते हैं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे वो आप लोगों को दिखाते हैं भाई घर तो भाई अब बस थक गया मैं तो बहुत यार नींद आ अबे यार इतनी जल्दी थक गए आज तो यार कुछ करा भी नहीं तो थक गए कुछ नहीं करा भाई तो गाइज अभी देखते हैं चलते हैं देखते हैं जहाँ भी चलेंगे आप लोगों को लेकर चलते हैं तो बन रहो व्लॉग में तो गाइज देख सकते हो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन ठीक है और रिशु को खानी थी बेलपुरी तो रिशु को बेलपुरी दिला दी है अभी थोड़ा आगे चल रहे
अब भाई घूमते घामते आ रहे थे, हमने सोच तो भाई रिक्शा नहीं मिल रहा था, इसमें मेरी गलती है। इन लोगों को लगा वो देखो हाथ हिला रहे हैं, देखो ये देखो। तो गाइस चलते हैं, आप लोगों को वहाँ चल कर बात करते हैं। ये देखो गिरा रही हो कपड़ों पे। तो गाइस अभी आप लोगों से बात करते हैं। तो भाई मतलब कि जो भी बनाते हैं आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा। जो भी कमी लगे तो भाई कमेंट में बता दिया करो कि यार वीडियो में ये कमी है, हम वो चीज़ ठीक करेंगे। तो हाँ भाई ये लो, अरे हमें ये पता लाओ हमें। यार क्यों लिया है भाई, मोहब्बत। अरे भाई तू ले लो ये लो भाई, ये लो, अपने नसीब में कुछ नहीं है, है ना? सही कह रहा हूँ ना? अपने नसीब ये देखो गुस्सा। तो गाइज अभी खा पी लेते हैं, खा पीने के बाद में भाई अगर आप भी आना चाहते हो DLF मॉल तो आपको नोएडा सेड्डा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से आप इजीली रिक्शा करके जा सकते हो DLF मॉल। तो हमने घूमा और हमने तुर्की आइसक्रीम भी खाई, ठीक है। तो गाइज अभी चलते हैं घर पे। तो भाई छोटा सा ब्लॉग हुआ, तो जिया भाई ने प्रैंक कर दिया था, उसके बाद में मैंने सोचा वही डाल दूंगा थोड़ा सा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड जो चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। चलो चल रहे हैं, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।